जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने प्यारे YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रॉ की और बात करने वाले हैं ऑपरेशन बेल बॉटम की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रॉ काफ़ी न्यूज़ में तो नहीं रहता है, लेकिन जब कोई मूवी आती है तो हमें पता चलता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ इंडिया के बारे में, जिसके बारे में ना तो हमें कहीं देखने को मिलता है, ना पढ़ने को मिलता है, ना ही सोशल मीडिया में कोई न्यूज आती है। देश की राजधानी दिल्ली के प्रगत विहार में वैसे तो कई सरकारी इमारतें हैं, जिसमें NIC, जिसको नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ITBP और BSF की कई ऑफिस हैं, पर एक इमारत ऐसी भी है जिस पर कोई नाम नहीं लिखा है, ना ही किसी को पता है कि अंदर क्या है, बट अंदर जाने के लिए रिस्ट्रिक्शन है और अंदर जाने वाले ऑफिसर्स की ना तो कोई यूनिफॉर्म होती है, ना तो कोई पहचान। कोई स्पेशल आदमी ही बता सकता है कि वह इमारत किसकी है। हम बात कर रहे हैं भारत सरकार की स्पाई ऑर्गेनाइजेशन, जिसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इन शॉर्ट रॉ कहा जाता है। जिस प्रकार हमें अपने सारे मिलिट्री ऑपरेशन में वॉर पता होते हैं, लेकिन रॉ के कारनामों का सुराग किसी के हाथ नहीं लगता, ना ही किसी को कुछ पता होता है, ना ही उनके नाम सोशल मीडिया या न्यूज़ में आते हैं, ना ही उन्हें कोई फेम मिलता है। ये देश के वो सोल्जर हैं जो अपने देश के लिए बेनाम हैं, लेकिन ऐसे कारनामे कर जाते हैं जिसके लिए दुनिया उन्हें सदियों सदियों याद रखती है। रॉ के लिए बजट कहाँ से आता है, कितना आता है, किसी को नहीं पता होता, यहाँ तक कि पार्लियामेंट को भी नहीं। बस प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर को ये पता होता है, लेकिन उनके पास भी ये पावर नहीं है कि वो राह से पूछ सके कि उनके कितने एजेंट हैं, किस किस देश में हैं और क्या मिशन चल रहा है। सारी जानकारी सिर्फ रॉ के ऑफिसर्स को पता होती है और रॉ ऑफिस की उन चार दीवारी के अंदर कैद हो जाती है। तो हम आज आपको बताने जा रहे हैं रॉ के बारे में पूरी जानकारी, रॉ कैसे बनी, रॉ का क्या ऑपरेशन है, और कई कई मूवियाँ आती रहती है बीच बीच में उनके बारे में कि कैसे काम करते हैं रॉ के ऑफिसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा YouTube चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें नॉलेज ग्रंथ को, हम आपको ऐसे ही सारी जानकारी डिटेल्स में देते रहेंगे। रॉ, जिसको हम लोग शॉर्ट में रॉ बोल देते हैं, वो एक्चुअल में RANW है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ इंडिया। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसका प्राइमरी फंक्शन जो है वो फॉरेन इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिज्म, काउंटर प्रोलिफिकेशन और इंडिया के जो पॉलिसी मेकर है उनको फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, सिक्योरिटी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में वो स्ट्रेटेजिक जो प्लान देते हैं वो रॉ के ऑफिसर्स ही होते हैं। यहाँ तक कि इंडिया के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उनकी सिक्योरिटी और इंडिया की टोटल सिक्योरिटी की जानकारी भी रॉ की होती है। रॉ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। रॉ के करंट चीफ जो है वो सामंत गोयल हैं, और जो डायरेक्टर ऑफ रॉ होते हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरीट में सेक्रेटरी रैंक के होते हैं, एंड वो प्राइम मिनिस्टर के अंदर डायरेक्ट काम करते हैं, उनका पार्लियामेंट से कोई सरोकार नहीं होता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे डायरेक्ट जो रिपोर्ट है वो कैबिनेट सेक्रेटरी को, और जो कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को देता है। द ऑफिस ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, NSA का ऑफिस भी इसमें रॉ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको हमें बताना है कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के हेड अभी कौन है। देखिए, दुनिया में बहुत सारी स्पाई एजेंसी हैं जिनको देखकर रॉ का निर्माण किया गया है। उनमें टॉप 4 जो हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी USA, सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस ब्रिटेन की है, मोसाद के बारे में आप जरूर पढ़िएगा, अगर आपको मौका मिला तो मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा मोसाद के बारे में। मोसाद एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका कोई भी सानी नहीं है, इवन USA की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी भी उसके सामने कुछ नहीं है। मोसाद के एजेंट पूरे दुनिया में इस तरह फैले हुए हैं, लेकिन उसके बारे में किसी को एक सुई की नोक बराबर झनक नहीं होती है। फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस रसिया, ये चार इंपॉर्टेंट स्पाई ऑर्गेनाइजेशन है, स्पाई एजेंसीज हैं जो हमारे वर्ल्ड में, वैसे तो सारी कंट्रीज की अपनी स्पाई एजेंसीज होती हैं, लेकिन रिकॉग्निशन का बहुत कम एजेंसीज को मिल पाता है। आपकी स्क्रीन पे जो
लोगो है वो रिसर्च एनालिसिस विंग का ही है, और इसके साइड में जो धर्मो रक्षा तिरक्षता है, द लव प्रोटेस्ट वेल इज प्रोटेस्टेड, ये हमारे रॉ की एक टैगलाइन है। जर्नी ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कैसी रही, रॉ कैसे बनी, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। रॉ जब नहीं थी उस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी जो 1933 में ब्रिटिश राज में ही क्रिएट हो गया था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आईबी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो इतनी बढ़ गई कि इंडिया, इवन इंडिया के बॉर्डर में इंटेलिजेंस के लिए इसकी ज़रूरत पड़ने लगी। और 1947 के बाद संजीव पिल्लई जो आईबी के इंडिया के फर्स्ट आईबी के डायरेक्टर थे, उन्होंने अपने मैन पावर को ब्रिटिश की एक एजेंसी कहती है MI5 होती है उसके बेस पे उसे ट्रेन करना स्टार्ट किया। लेकिन 1962 में जो सिनो इंडियन वॉर हुआ जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के एजेंट पूरी तरह से फेल हुए, जिसकी वजह से हमें 1962 वॉर को हारना पड़ा, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि जवाहरलाल नेहरू को लगने लगा कि ये फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी की एक ज़रूरत है। और 1965 के वॉर के बाद जनरल जयंतोनाथ चौधरी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए भी पहल करनी स्टार्ट कर दी। और 1966 में एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया। सबसे पहले इंदिरा गांधी के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे उन्होंने डिसाइड किया कि एक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन, एक स्पाई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी। उस समय हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो डेप्टी डायरेक्टर थे RN Kao, उनको चीफ ऑफ द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग डिक्लेयर किया गया। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, जिनका मेन काम था एक्सटर्नल इंटेलिजेंस, उसके अलावा टेक्निकल कंकरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जितने भी मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर थे उनसे मिलके आपको ट्रांस बॉर्डर मिलिट्री इंटेलिजेंस करना है और अपने लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर की सिक्योरिटी करनी है। आज की डेट में रॉ का क्या मेन रोल है? वैसे तो कई रोल हैं जो हम इसमें जो आधा तो हमें पता भी नहीं होते हैं, और जो पता होते हैं वो सिर्फ रॉ के ऑफिसर्स को पता होते हैं, लेकिन हमारे सामने जो मेन रोल्स हैं वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। जैसे आपकी पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक और साइंटिफिक डेवलपमेंट हमारी कंट्री में जो भी चल रही है, उनकी नेशनल सिक्योरिटी का जो जिम्मा है पूरा रॉ के ऊपर है। इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन और फॉरेन गवर्नमेंट्स को कैसे इन्फ्लुएंस करना है अपनी सिक्योरिटी को लेके, वो भी रॉ का काम है। कोवर्ट ऑपरेशंस करने होते हैं, बहुत इंडिया में भी कोवर्ट ऑपरेशंस करने होते हैं और फॉरेन के सॉइल पे भी करने होते हैं, ये काम भी रॉ का है। और इवन एंटी टेरर ऑपरेशन जो होते हैं, जो हमारे इंडिया के लिए थ्रेट हैं, उनको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए रॉ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन इतने सारे ऑपरेशंस होते हैं लेकिन इसकी एक झलक भी हमारे कानों पे नहीं पहुंच पाती है। अब हम बात करते हैं रॉ के स्ट्रक्चर की। रॉ के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सबसे पहले आते हैं प्राइम मिनिस्टर, जिन्हें रॉ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होती है। उसके बाद आते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनका पार्लियामेंट से कोई सरोकार नहीं होता है। उसके बाद आती है हमारी चार यूनिटें, इसमें होती है ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कमेटी, इंटेलिजेंस ब्यूरो और मिलिट्री इंटेलिजेंस। ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी जो होती है उसका काम है कि वो IPS-IS से बनी होती है, और उसका काम है कि ये इंटेलिजेंस के लिए जो इंटेलिजेंस के मेंबर्स के लिए उनका प्रमोशन और उनका सिलेक्शन, ये सब ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी का काम होता है। फिर आता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। एक्सटर्नल इंटेलिजेंस का ये हेड होता है, हेड ही डायरेक्टर ही जो होता है वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का वो डिसाइड करता है कि कौन सा मिशन कहाँ पे ऑपरेट होगा और किस मेंबर को वहाँ पे भेजा जाएगा। उसके बाद आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो होता है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए होता है। जब रॉ नहीं था तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ही काम कर रहा था एक्सटर्नल सिक्योरिटी का, लेकिन आज जैसा कि मैंने आपको बताया इंदिरा गांधी के टाइम पे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को बनाया गया, तब से एक्सटर्नल इंटेलिजेंस का काम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग देख रहा है और इंटरनल सिक्योरिटी का काम इंटेलिजेंस ब्यूरो देख रहा है। उसके बाद आता है आपका मिलिट्री इंटेलिजेंस। मिलिट्री इंटेलिजेंस को आपको पता ही होगा कि हमारी जो 3 मेन सर्विसेज हैं, इवन कई पैरामिलिट्री सर्विसेज भी हमारे देश में हैं, जिनका काम हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर को सिक्योर करना है।
और समय आने पे दुश्मन को जवाब भी देना होता है। इनका रिक्रूटमेंट कैसे होता है, आप लोग में आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं आप लोगों में कई लोग ये चाहते होंगे कि रॉ के रॉ के ऑफिसर्स बने, लेकिन उनको पता नहीं होता कि रॉ के ऑफिसर्स कैसे बनते हैं। जब रॉ नई नई बनी थी उस समय क्या हुआ था, उस समय जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो ऑफिसर्स थे ना उनको ही लेके रॉ बना ली गई थी। फिर क्या हुआ कि इंडियन आर्म फोर्स से कुछ रिकमेंडेड ऑफिसर्स जो होते थे, इंडियन पुलिस सर्विसेज जो ऑफिसर्स होते थे और इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज जो ऑफिसर्स होते थे उनके उनको रिकमेंड किया, कमेटी द्वारा रिकमेंड किया जाता था और उनको रॉ में ले लिया जाता था। बाद में क्या हुआ कि रॉ ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट किया, जो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स होते थे उनको अगर कई उनके जो एजेंट्स होते थे वो पता करते थे कि किस मेंबर को कैसे ले सकते हैं, उसके पास क्या काबिलियत है। तो उसके बाद लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 1983 में रॉ के ऊपर एक एलिगेशन लगा कि रॉ के जो ऑफिसर्स थे वो नेपोटिज्म कर रहे थे। नेपोटिज्म का मतलब है कि वो अपने ही रिलेटिव को यूनिवर्सिटी से उठा के रॉ में डाल रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने रॉ को ये अपनी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो था उसको बंद करना पड़ा और उनका खुद का एक रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विस जो उन्होंने क्रिएट की, जिससे एग्जाम के थ्रू अब ग्रुप ए ऑफिसर्स जो होते हैं उनको लिया जाता है। उनकी ट्रेनिंग जो होती है वो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जिसको लवासना कहते हैं, आप लोग बहुत लोग प्रिपरेशन भी करते हैं, आई एस आई पी एस का लोगों का सपना होता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो लवासना में ट्रेनिंग कर रहे हैं उन्हीं में से कुछ लोगों को चूज किया जाता है, अगर वो चाहते हैं कि वो रॉ में अपनी भूमिका निभाएं तो उनके लिए एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जाता है और इंटरेस्टेड कैंडिडेट का साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, फिटनेस टेस्ट होता है, उसके बाद उनको रॉ में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि लेटर डेपुटेशन पे भी कुछ ऑफिसर्स जो होते हैं जो आर्म फोर्स पे काम कर रहे हैं या ग्रुप ए सिविल सर्विस ऑफिसर्स हैं उनको भी ले लिया जाता है। और उसके बाद नंबर ऑफ लिंग्विस्टिक और एक्सपर्ट डिफरेंट फील्ड पे जो ऑफिसर्स होते हैं उनको लिया जाता है। और उनका जो रूल है, किस रूल, कौन सा रूल है जो गवर्न करता है, तो है रिसर्च एनालिसिस विंग रिक्रूटमेंट रूल 1975, जिसके तहत रिसर्च एनालिसिस विंग जो होता है रिक्रूटमेंट करता है। अभी रिसेंटली एक मूवी चल रही है बेल बॉटम, जिसका आपने पोस्टर देखा होगा, आपके स्क्रीन पर जो पोस्टर है बेल बॉटम, आप लोगों को अगर टाइम मिले तो मूवी जाके जो देखेगा, मैंने देखी है। इसमें रॉ के एक एजेंट हैं जिनका कोर्ट ने बेल बॉटम, एक्चुअली रॉ में क्या होता है कि आप रॉ के जो एजेंट होते हैं उनका ओरिजिनल नाम आप नहीं वो कर सकते, एक प्रोटोकॉल होता है। तो एक बेल बॉटम एजेंट थे जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी एक ऑपरेशन में। आपको उस ऑपरेशन का नाम बताना है, उस ऑपरेशन का मेन मकसद क्या था, वो ऑपरेशन कब किया गया था और उस समय देश के हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपको हमें बताना है, ठीक है। बेल बॉटम ऑपरेशन की बैक साइड स्टोरी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली ये स्टोरी है एक एयर इंडिया, उस समय इंडियन एयरलाइंस जो थी उसका एक एयरक्राफ्ट हाईजैक कर लिया गया था, इंडियन एयरवेज फ्लाइट का 422, बहुत ऐसे तो उस समय बहुत सारे हाईजैक्स हो रहे थे। एक हाईजैक हुआ था जो किया गया था आपका खालिस्तान के लिए। खालिस्तान जैसा आपको पता होगा पंजाब का एक प्रांत है, जिस प्रांत के लोग उसको खालिस्तान मतलब एक अलग देश बनाने के लिए हमेशा मांग करते रहते हैं। तो उन सिख लोगों में से कुछ लोगों ने और कुछ आपके ISI एजेंट्स ने मिलके एयरक्राफ्ट को हाईजैक कर लिया था और उसके बाद उसे अमृतसर ले गए थे, अमृतसर के बाद उसे लाहौर ले गए थे, लाहौर के बाद उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे जिसका नाम आपसे मैंने पूछा था इंदिरा गांधी थी, उन्होंने काफ़ी नेगोशिएट करने के लिए, उस समय उससे पहले जितने भी हाईजैक होते थे काफ़ी नेगोशिएशन होता था, बहुत सारे टूरिस्ट को छोड़ दिया जाता था और बहुत सारे पैसे दिए जाते थे, रैनसम मनी दी जाती थी। तो इस बार क्या हुआ कि जो बेल बॉटम एजेंट थे उन्होंने बोल दिया कि मैम इस बार आप नेगोशिएट नहीं करेंगे। इसके बाद एयरक्राफ्ट लाहौर गया और लाहौर के बाद जब नेगोशिएशन नहीं हुआ उनको लगा कि अब नहीं हो सकता, तो उन्होंने ऐसा किया कि दुबई, उसे दुबई ले गए एयरक्राफ्ट को और वहां जाके जो बेल बॉटम एजेंट थे उन्होंने एक कोवर्ट ऑपरेशन किया था जो बहुत ही जल्दी अगर कहना चाहिए विद इन 2 आवर्स वो ऑपरेशन खत्म हो गया था और हमारे एयरक्राफ्ट के एक भी पैसेंजर को एक खरोच भी नहीं आई थी और जितने भी टूरिस्ट छोड़े गए थे जो नेगोशिएशन के थ्रू उनको भी पकड़ लिया गया था, जिन 4 लोगों ने ये हाईजैक किया था उनको भी पकड़ लिया गया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर आपको टाइम मिले तो आप जाके जरूर देखिएगा, ठीक है, और हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी स्टोरी। इसके बाद अगर करें कि सोर्सेज की बात करें, क्योंकि हमारे रॉक क्या है एक स्पाई एजेंसी है, तो जिस तरह से इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं उनकी उनकी जो बातें होती हैं उनके जो मिशन होते हैं लीक नहीं होते, उसी तरह हमारे
रॉ के भी मिशंस लीक नहीं होते, उसके बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमको मिलती नहीं है। थोड़ा बहुत हम आपको विकिपीडिया में थोड़ी बहुत मिल जाएगी, लेकिन मेन इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपको मिलती है कि रॉ के जो एजेंट होते हैं, जो रिटायर हो जाते हैं, वो कुछ बुक्स लिखते हैं। जैसे एक फॉर्मर चीफ थे रॉ के, विक्रम सूद, इनकी अगर आपको बुक मिलेगी तो इनकी बुक आप ज़रूर पढ़िएगा। तो उन्होंने एक द एंडिंग गेम करके, अन एंडिंग गेम करके एक बुक लिखी है, और न्यू दिल्ली में इसका अनावरण भी किया था। और दूसरे एक रॉ चीफ ए एस दौलत, उन्होंने भी एक अपनी रिसेंट बुक पब्लिश की है, जिसमें आपको रॉ के जो मिशंस हैं, रॉ कैसे काम करती है, आपको पढ़ने को मिलेगा। और आखिर कई सारी मूवी बनी है, बहुत दिनों से मूवियाँ बन रही हैं, लेकिन इनको इतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता था, क्योंकि बहुत सारे जो रॉ के लोग होते थे रॉ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देते थे, रॉ इतना लाइमलाइट में आना नहीं चाहता था। ठीक है, जैसे आपकी आँखें मूवी बनी है, रामानंद सागर प्रोडक्शन की है 1968 में, धर्मेंद्र और माला सिन्हा ने काफ़ी अच्छा रोल किया। उसके बाद प्रेम पुजारी बनी है, जिसमें देवानंद साहब है 1970। उसके बाद हिंदुस्तान की कसम, तो शायद आप लोगों ने देखी होगी, राजकुमार साहब की है, और प्रिया राजवंश 1973 में। इसके बाद अब लेकिन अभी क्या है, अभी कुछ मॉडर्न फिल्में बनने लगी हैं। जैसे आपने अगर रोमियो और वाल्टर अगर देखी हो, रोमियो और वाल्टर 2019 में आई थी, अगर आपने देखी हो, तो उसमें एक जॉन अब्राहम ने जो है एक रॉ एजेंट का रोल किया था। ठीक है, और उसके बाद अगर आपने परमाणु मूवी देखी है, तो परमाणु मूवी में रॉ का थोड़ा सा रोल था। परमाणु मूवी बहुत अच्छी मूवी है, जो 1999 के जो परमाणु टेस्ट था उसके ऊपर किया गया था, न्यूक्लियर टेस्ट जो किया गया था। इसके बाद अभी जो रिसेंट मूवी है बेल बॉटम, काफ़ी लाइमलाइट में है ये मूवी, और काफ़ी अच्छी मूवी। अगर आप लोगों को टाइम मिलेगा तो बेल बॉटम ऑपरेशन के बारे में, जैसा लगता है मैंने आपको बता दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे जैसे कई सारी मूवी आती रहेगी, जैसे आप देखेंगे तो आप रॉ के बारे में लोगों को कुछ बता पाएंगे कि आखिर रॉ क्या होती है, बिकॉज ये आपकी कंट्री की है। और अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, एस्पिरेंट है, तो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आपको उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कैसे लोग काम करते हैं, क्योंकि ये लोग बिना लाइन लाइट में आए ऐसा ऐसा काम कर देते हैं। क्योंकि अगर कोई पुलिस कुछ काम करती है, कोई मिलिट्री कुछ काम करती है, वो हमारे सामने आ जाता है, लेकिन रॉ अगर कोई मिशन करती है, हमारे देश की सिक्योरिटी में रॉ का बहुत बड़ा हाथ है। आपको ऐसा लगता होगा कि देश की सिक्योरिटी बहुत छोटा काम है, देश की सिक्योरिटी बहुत छोटा काम नहीं, देश का सिक्योरिटी बहुत बड़ा काम है। फॉरेन में कई मिशन होते हैं, फॉरेन कितने कहना चाहिए कि कितने बहुत सारे प्लानिंग की जाती है, इन प्लानिंग को कैसे ये नष्ट नाबूद कर देते हैं वहाँ से पहले ही पता करके, कितने सारे मिशन यहाँ पे प्लांट किए जाते हैं कि आज यहाँ पे बम ब्लास्ट हो गया होगा, लेकिन उनके सब की जानकारी भी मिलती है। अगर आपको याद होगा कि आप एक 2008 में आई थिंक मुंबई में एक हमला हुआ था, इसके पहले भी वो कैसे आने वाले हैं ये चीज़ डिकोड कर ली गई थी, लेकिन उस चीज़ का पूरा पता नहीं पर चल पाया था, नहीं तो जो हमला हुआ था मुंबई पे उसको काफ़ी रोका जा सकता था। इवन जब राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था, उस टाइम भी काफ़ी रॉ ने बहुत बड़ा काम किया था, बहुत सारे कोड डिकोड किए थे। स्माइलिंग बुद्धा हुआ था उस टाइम भी, रॉ का उस समय तो आई भी था, रॉ भी था उस टाइम पे, तो रॉ ने स्माइलिंग बुद्धा के टाइम पे भी बहुत बढ़िया रोल निभाया था। ऑपरेशन चाणक्य किया है, बहुत सारे ऑपरेशन लीच किया है। अगर आपको रॉ के बारे में कुछ पढ़ने को मिले तो आप ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी रॉ के बारे में। अगर आपको कुछ और डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसमें आपकी ज़रूर मदद की जाएगी। और प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कुछ ऐसा टॉपिक चाहिए जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें पिन कीजिए, हम ज़रूर उस टॉपिक के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, जिसके बाद आपका पूरे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड करने से पहले आपके सामने क्वेश्चन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सिविल सर्विस एग्जाम में आ सकता है, और जो स्टेट सर्विसेज के एग्जाम होते हैं उनमें भी आ सकता है। तो आपका सामने क्वेश्चन है कि ऑपरेशन चाणक्य ऑफ रॉ इज रिलेटेड टू, ऑपरेशन चाणक्य जो था रॉ का वो किस चीज़ से रिलेटेड था। आपके सामने चार ऑप्शन है, आप इसका हमें इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। पहला है टू असैसिनेट द लीडर्स ऑफ रॉ ट्रेंड बर्मीज रिवर्स टू सेट एन एग्जाम्पल टू अदर ग्रुप्स, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन इन द कश्मीर टू इन्फ्लिएट वेरियस ISI बैक्ड कश्मीरी सेपरेस्ट ग्रुप एंड रिस्टोर पीस इन द कश्मीर वैली। थर्ड ऑप्शन है द टास्क टू कीप इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम अंडर टाइट रैप फॉर सिक्योरिटीज। एंड फोर्थ ऑप्शन है टू सेव एयरक्राफ्ट फ्रॉम हाईजैक। ठीक है, तो चार ऑप्शन है आपके, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस नाम का आपका इंस्टा पेज भी है, आप वहाँ भी जाके हमें बता सकते हैं। इसका जवाब मैं आपके कमेंट सेक्शन में पिन तो करूँगा ही, इंस्टाग्राम में डालूंगा ही, टेलीग्राम में भी डालूंगा। टेलीग्राम भी सेम नाम से आपका नॉलेज ग्रंथ के नाम से है, प्लीज़ फॉलो करें। ऐसे वीडियो के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें, और हम आपको ऐसी ही कई डिटेल वीडियो देते रहेंगे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।